अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह मेरे भारत भारत वासियों पर दुनिया दुनिया वालों पर अमन सलामती शांति उन्नति नाजिल करे। कल जो टेरर अटैक हुआ है आरपीएफ के हिंदुत्व आतंकवादी टेररिस्ट ने जो मासूमों को गोली मारी है ट्रेन में, उसमें एक अल्लाह का बंदा सैयद सैफुल्लाह हैदराबाद बाजारघाट का रहने वाला, तीन बेटियों का बाप, सबसे छोटी बेटी 6 महीने, ऐसे मासूमों को मार रहे हैं हिंदुत्व आतंकवादी मोदी योगी का नाम चिल्लाकर। आरएसएस बीजेपी बजरंग दल के आतंकवादी मार रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं तमाम हिंदुस्तानियों से, देखिए एक मीना बोलकर आपका ट्राइबल पुलिस ऑफिसर खत्म कर दिया गया ये हिंदुत्व आतंकवादी की तरफ से। ना दलित महफूज, ना एससी एसटी महफूज, ना ट्राइबल आदिवासी महफूज, ना सिख और क्रिश्चियन महफूज, ना मुसलमान महफूज, ना कई इलाकों में दूसरी जात के हिंदू महफूज। यानी बर्बादी सब पर आ रही है, सबको तबाह कर रही है, पूरे भारत में आग लगा रहे हैं, मणिपुर से लेके गुरुग्राम से लेके पूरे इंडिया में। मौलाना साहब बोलकर एक अल्लाह का बंदा इमाम नायब इमाम मस्जिद का कल रात में गोली मार दिए, चाकू मार के खत्म कर दिए बीएसपी बजरंग दल के हिंदुत्व आतंकवादी। तो इनका काम है देश में आग लगाना, मारना, काटना, तबाही लाना। बीजेपी आरएसएस बीजेपी बजरंग दल मोदी योगी अमित शाह ये सिर्फ आग लगा सकते, तोड़ सकते, बर्बाद कर सकते। डेवलपमेंट, जॉब दिलाना, इकोनॉमी को ऊपर लाना, महंगाई कम करना, क्राइम कम करना, अमन सलामती एस्टैब्लिश करना, अच्छे से माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ लाना इनके बस की बात। क्योंकि इनके गुरु सावरकर गोवलकर आतंकवादी जहन के थे, तो पूरी औलादे वैसी चाहिए। नथुराम गोडसे के बच्चे हैं, सिर्फ गोलियां मारना, आग लगाना, मारना काटना जानते। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया हिंदुत्व आतंकवादियों को या तो जेल भेजे या जहन, तब मेरा भारत बचेगा। एक मालिक रब अल्लाह की इबादत, आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए कानून इस्लामी लाइए, और जो भी कत्ल करा, बलात्कार करा, आतंक फैला रहा, उसकी गर्दन उड़ाकर जहन्नुम पहुंचाइए। भारत बचाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए।